शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है। माँ बनने से पहले ही हमारे दूध में जहर घोल दिया। तुम भी क्या याद करोगी किस गरीब से पला पड़ा है। सबको मार दूंगा। आज के बाद तेरी हर सांस के पीछे मैं मौत बनकर खड़ा हूँ। Peter, Steve, Philip, Bruce, come down. Yo, hey, dude, what's happening? Give me those two. Hi, honey. Hi. 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 And meet my wife. Oh, she's Kajal. Kajal. Oh, she's Kajal. Yes, she's Kajal. Beautiful. Yeah. Beautiful. Very cute. Lovely girl. She's quite nice. My wife, my love. जिसका मैंने सालों तक इंतजार किया। ये माइक मुझ पे हंसता था, कहता था कोई लड़की किसी का सालों तक इंतजार नहीं कर सकती। You're wrong, my friend. She is my wife who waited for me for 10 years. I'm on my honeymoon, guys. I gotta go. So you gotta go when you gotta go, right? ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? अरे सच्ची मोहब्बत का गुलाल है, उड़ेगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा ही ना। क्यों? आओ काजल, ये है मेरी मामा। जब मैं बहुत छोटा सा था ना, ये मुझे छोड़ के चली गई। दिन की रोशनी में भी इस घर में अंधेरा छाया रहता, और इस अंधेरे में एक अकेला सहमा हुआ बच्चा जिससे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, और वो चीखता, मामा वापस आ जा, मामा वापस आ जा। तब उस अंधेरे में रोशनी की किरण बोलती, बेटा काजल को इस घर में जरूर लाना, वो तेरी जिंदगी में खुशियों की बहार बनकर इस घर में आएगी। मैं अपने खाली दिल में तुम्हारी तस्वीर सजाकर इंतजार करने लगा। ये इंतजार मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी का आलम बन गया, और आज तुम इस घर में, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी को मायने मिल गए, मेरी खुशियां फिर से आबाद हो गई। नहीं नहीं, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उम्र का इतना लंबा अरसा हमने एक दूसरे के इंतजार में बिता दिया, अब बाकी का हिस्सा इस मोहब्बत के लंबे सफर में बिताना है। हाँ, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, यहां से भी नहीं। Fantastic, fantastic भाई साहब, मैंने राजू को इतना खुश कभी नहीं देखा है। अरे इससे भी ज्यादा खुशी तो तुम्हें उस दिन होगी रमा, जब हमारा राजू हमारे कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। मगर भाई साहब, जिस दिन राजू को हमारे कारोबार की सच्चाई का पता चलेगा, नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा रमा, आखिर वो हमारा खून है, जो रास्ता हमने उसके लिए चुना है उससे पीछे वो कभी नहीं हटेगा। You're right, मामा जी, दे दिया ना झटका। तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे बेटा, भाई अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो तुमने संभाल ली, अब हमारे कारोबार की बागडोर भी तुम्हारे हाथ सौंप रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। डोंट वरी मामा जी, राजू हर काम इंतहा की हद तक करता है, मोहब्बत की तो इंतहा तक, और अब बिजनेस भी संभालूंगा तो एकदम मोहब्बत की तरह। शरारती कहीं का।
वेलकम बेटे। फैंटास्टिक। आज के बाद तुम इस ऑफिस से अपने फैसले और हुक्म जारी करोगे। इट्स ऑल योर्स। कम अलोंग बेटे। अरे बैठो बेटे। कैसा लग रहा हूं डैड? ये कुर्सी, ये फैक्ट्रियां तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि उस तरक्की की तरफ उठा पहला कदम जहां एक बहुत बड़ा एम्पायर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डोंट वरी डैड, मैं बहुत मेहनत करूंगा उस एम्पायर को बहुत जल्द हासिल करके उसे इतना ताकतवर बनाऊंगा जिससे मैं सारी दुनिया जीत सकूं। बस मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। आई लव यू काजल। आई लव यू काजल। आई लव यू। ए हेलो सोना। अरे कुछ तो बोलो। आई लव यू। कुछ तो बोलो। ए हेलो, देखो अगर तुमने मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं कह दूंगा कि आई हेट यू बट आई लव यू। दे दिया ना झटका। ए लेकिन तुम चुप क्यों थी? ऐसे ही आपकी जुबान से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या कर रहे थे जनाब? तुम्हें देख रहा था, तुमसे प्यार कर रहा था। धर, बेशरम कहीं की। सब तेरी मोहब्बत है। Hey, what is this? तुमको कितनी बार कहा है कि ऑरेंज कलर की साड़ी के साथ रेड कलर का नेल पॉलिश नहीं लगाते? लाइट ब्राउन लगाया करो यार। राजू तुम्हें ये सब कैसे पता? सब तेरी मोहब्बत है। और तुम्हारी मोहब्बत हमें ऐसे लगता है जैसे हजारों बिजलियां हमारे अंदर कौन गई हो। हम रोशन हुए आपके अंदर जस्ट होते जाते हैं। हमारी धड़कनें, हमारी सांसें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आप कुछ मत कहो, बस सुनते जाओ सुनते जाओ। इस दीवानगी में पागल हुए हम आपसे इतना प्यार करना चाहते हैं, इतना प्यार करना चाहते हैं। तो कर लो ना, बंदा हाजिर है। राजू तुम यहां? दे दिया ना झटका। काजल ये सिर्फ तेरी मोहब्बत है। अरे मैं चाबी अंदर भूल गया, अभी ले गया है। टाइम पास। इधर आ। कैसा है रितु, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और करण भाई का नहीं पूछोगी? क्या पूछूं? शायद जिंदगी ने यह हक मुझसे छीन लिया है। दे देना झटका। क्या सोच रही हो, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? कुछ नहीं, चले। ऑफ कोर्स, द नाइट इज स्टिल यंग, लेट्स पेंट द टाउन रेड। लेट्स गो। शायद भूल रहे हो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो।
आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है। मिस्टर रमाकांत सहाय, तुम्हें शर्म आने लगी है मुझे अपना बाप कहने में, क्योंकि मैं गैर कानूनी काम, ड्रग्स, हथियार, मौत का व्यापार करता हूँ। देशद्रोही हूँ मैं, हाँ मैं हूँ, देशद्रोही हूँ मैं, देशद्रोही हूँ मैं। अब राज खुली गया है तो सुन, हमारी दुनिया दौलत और मौत का वो चक्रव्यूह है जिसमें एक बार दाखिल हो जाओ तो कोई वापसी नहीं, समझे? तुम इस दुनिया में दाखिल हो चुके हो मिस्टर राजनाथ सहाय। अब कैसी तबीयत है काजल की? घबराने की कोई बात नहीं है राज, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। क्या मतलब? माँ बनने वाली है, ख्याल रखा कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। दे दी ना झटका, अगर आज तुम बेहोश नहीं होती तो इतनी बड़ी बात का मुझे पता नहीं चलता। हाँ, अगर आज हम बेहोश न होते तो इतनी बड़ी बात हमें भी ना पता चलती। मां बनकर पूरी औरत बन गई हो, पहलियां भी बुझाने लगी हो, हाँ? बस इसी चीज की कमी थी। अब देखना, मैं कोई कमी रहने नहीं दूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, अपनी हर कीमती शय। नहीं, क्या क्या देना चाहते हैं आप? जुर्म और कतल से कमाई हुई ये दौलत? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वो कमाई जिसके पैसे पैसे में से बेगुनाह इंसानों का लहू टपक रहा हो। काजल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों की जान लेने में आप हिस्सेदार तो बने, और आपके साथ साथ हम भी इस पाप में शामिल हो गए। इस महल की छत के नीचे रहती रही, जिसके हर एक ईंट के नीचे ग्लास दबी हुई है, इस मुर्दा घर में गूंज रही चीखों से हमारा दम घुटता है। दम, आखिर हमारा कसूर क्या है? कसूर न मेरा है ना तेरा, कसूर हमारे दामन का है जिसमें फूल भी गिरे तो कांटे बन गए। मैंने कुछ नहीं किया काजल, कुछ नहीं किया मैंने। अरे आपने तो हमारे जीने का मकसद ही छुटला दिया राजू, मां बनने से पहले ही हमारे दूध में जहर घोल दिया, हंसने हंसाने की बातें करते करते हमें इतना रुला दिया कि आंसुओं के सैलाब में हमारे प्यार का आशियाना ही बह गया। और ये हमारी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को हम ऐसी दुनिया देंगे जिसमें पलकर वो एक देशद्रोही दरिंदा बनेगा, और हम होंगे उस दरिंदे की बदनसीब माँ। एक दिन लाशों के ढेर पर बैठे हुए हम अपने बच्चे के शरीर पर गोलियां उतरते देखेंगे। अगर जुर्म की दुनिया का अंजाम ऐसी ही दर्दनाक मौत है तो इसे जिंदगी देने का क्या फायदा? नहीं, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, नहीं काजल, बस करो काजल, बस करो, नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, बस करो काजल, मैं छोड़ दूंगा ये दुनिया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं अपने बच्चे को उसकी विरासत में वो नहीं दूंगा जो मुझे मेरे बाप ने दिया है। उसकी विरासत में होंगे तेरे सपने, उसकी विरासत में होंगे मेरे सपने जो हम दोनों ने मिलकर संजोए। मैं वादा करता हूं काजल, मैं वादा करता हूं हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में नहीं पैदा होगा, हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में आंखें नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा आंखें।
तुम भी कमाल करते हो रमाकांत। 4 महीने हो गए राजू को घर छोड़े हुए और तुम मुझे आज बता रहे हो। कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब, राजू के सिर्फ एक सिग्नेचर ना होने की वजह से हमारा करोड़ों का माल बीच समंदर अटका है। जल्दी नहीं निकाला, सोना मिट्टी होते देर नहीं लगेगी। ऐसा हो गया तो हमारा सारा धंधा फिक्स हो जाएगा, है ना पीताम्बर भाई? रहता कहाँ है वो, अपने ससुराल के यहाँ? नहीं, एक बस्ती में किराए का मकान है। क्या, हमारा वारिस एक मामूली सी बस्ती में रहता है? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी ब्याह करो तो अपने बराबर के घर में, यहीं पर गलती कर गए तुम। मैं क्या करूं भाई साहब, वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता है। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। गजन, राजू से कहो हमसे आकर मिले। राजू, लगता है कि हमसे तुम कुछ नाराज हो। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, और फिर आजकल के जमाने में ये असूल, आदर्श, ईमानदारी की बातें, ये सब इंसान को कमजोर बनाती हैं। तुम तो समझदार हो, तुम्हारा एक छोटा सा घर है, एक नेक पत्नी है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारी मामी से बहुत प्यार करता था, आज उसी का श्राद्ध है। जब तुम्हारी मामी का स्वर्गवास हुआ तो उसकी कोख में मेरा वारिस था। अगर वो होता तो आज तुम्हारी उम्र का होता। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मामी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। वो मेरे कारोबार के रास्ते में आने लगी थी। मैं नहीं चाहता कि कल फिर से वो एक्सीडेंट हो। तुम ये बस 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 बस, अगर एक लफ्ज और कहा तो इसी हवन कुंड में मैं तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। गजराज चौधरी, ध्यान से सुन, मेरा और मेरे परिवार का तेरी इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। कॉमन सेंस की बात है, आज जो खून अपने खून के लिए पानी हो सकता है, कल हम सबके लिए जहर भी बन सकता है। इतने सालों की मेहनत से बनाई हुई सल्तनत को क्या आप मलबे का ढेर बनता हुआ देखना चाहेंगे?
काजल मैं जा रहा हूँ। राजू जाना मत, हम आ रहे हैं। ओहो काजल, I'm getting late यार। एक मिनट प्लीज। ओहो क्या बात है, अरे अरे ये क्या कर रही हो? आज करवा चौथ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे come on यार, after all, आप ये पत्नी व्रता हस्बैंड यार। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं होता। तुम हिंदुस्तानी औरतें भी बड़ी अजीब होती हो। अच्छे भले आदमी को भगवान बना देती हो। एक औरत के लिए उसका सुहाग ही भगवान होता है ना? ए, अपने इस भगवान को भोग नहीं लगाओगी? हम्म, क्यों तो हम ही लगा देते हैं। क्या क्या? मगर सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा मिस्टर। ओह यू मीन गिफ्ट, नो प्रॉब्लम, श्योर श्योर, अभी लाया। यू गया यू आया। ए काजल, तुम भी क्या याद करोगी किस गरीब से पला पड़ा है? हाँ, देखते तो मेरी आंखें ही पतरा गई थी। मैं तो तेरे दीदार के लिए ही जिंदा थी शायद। अब इन बाहों में मेरा दम भी निकल जाए ना तो कोई परवाह नहीं। ए, ऐसे क्या दिख रहा है? हो गया, कीमत ली है तूने। तो तू उसे नहीं मारेगा? ठीक है, तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। तो समझो वो मर गया। आप
ये अच्छा नहीं किया, ये करण ने अच्छा नहीं किया पीताम्बर। हमारे हथियार ने हमारे ही आदमी को मार डाला, ये उसने अच्छा नहीं किया। वो क्या समझता है हमारे खिलाफ उसकी ये बगावत राजू की जिंदगी बचा पाएगी? नहीं, वो तो जरूर मरेगा। और जो कोई भी राजू और उसकी मौत के बीच में आए उसे भी उड़ा दो। राजू ये ले ले। काजल, क्या हुआ काजल? आज का जाम उस कमबख्त के नाम जो हमारे बहुत मना करने के बावजूद भी हमें छोड़ गया। चीयर्स। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? मौत, मौत चाहता है तू? तेरे सारे कुत्तों को मैंने मार दिया मगर वो राजू को कुछ नहीं कर सके। वो जिंदा है, तेरा कोई भी बारूद कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता। आज के बाद तेरी हर सांस के पीछे मैं मौत बनकर खड़ा हूं।